हे कृष्णा, नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ, कैसे बहा सकता हूँ? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूँ? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं, उन्हीं के सीने को छलनी करूं? मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे मेरा हाथ थाम कर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार भोंकर खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे अपनों के ही रक्त से स्नान करूं। ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। वाह अर्जुन, वाह! लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवृत्त होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे थे। किसी ने जीवा तक भी नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे, और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं, जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो, और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है, और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराए हैं, शत्रु हैं, जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे, ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए उत्सुक है। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्धसत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्धसत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरवों जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं,
बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते। परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, यह बात कोई वीर नहीं केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजय बन कर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ? हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है। परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों की आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडिव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडिव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं, मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसकी दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है, इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो?
तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं, तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं, अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो, अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो।